संयुक्त सत्र के दूसरे दिन हमारे संवाददाता ने विधायक प्रवीण दटके और विधायक टेकचंद सारकर से खास बातचीत की। शीत सत्र का आज का दूसरा दिन है, विदर्भ के विधायक अपने साथ है, कौन से मुद्दे उजागर करेंगे देख रहे। टेकचंद जी सावरकर हमारे साथ है और प्रवीण जी दटके है। टेकचंद जी, बेमौसम बारिश के कारण विदर्भ में काफ़ी किसानों का नुकसान हुआ है, तो क्या लगता है आपको? कल जो हमारा विधानसभा का सत्र शुरू हुआ तो इसमें हम सभी विदर्भ के जो धान पट्टा के जो विधायक हैं उस सभी ने हमने एक जगह आके मुख्यमंत्री जी से विनंती की और उप मुख्यमंत्री जी से विनंती की कि ये जो परसों के दिन जो बारिश हुई वो सबसे खतरनाक हुई और बहुत बड़े पैमाने पे हुई, और इसके वजह से जो खेती में धान काट के पड़े थे वो सभी पूरा सड़ गए, उसको कोम आ गए और पूरा 100% खेती का नुकसान हुआ। और वो हमारी बात सुन के हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारे देवेंद्र जी दोनों ने मोहदा तालुका में कल दौरा किया और उसमें उन्होंने बोला, हमारी मांग थी कि सरसकट पंचनामा नहीं करते हुए सरसकट उसकी मुआवजा देना चाहिए, और उन्होंने वो मान्य भी किया हुआ। और हमारी इच्छा है कि आने वाले समय में विधानसभा में उसकी घोषणा होना चाहिए। दूसरी बात, जो काश्तकारों का जो धान जिसके है उसके जो हम सेंटर पे गवर्नमेंट को देने वाले हैं उसका ई पिक पानी जो ये रहता है उसमें भी कुछ गड़बड़ियाँ है, इसके वजह से बहुत से काश्तकारों को वो पिक पेरा लिख नहीं सके, तो उसको भी मदद सरकार ने देना चाहिए। वो ऐसी भी मांग हो रही कि बिना पंचनामा कर नुकसान भरपाई देने की मांग भी सत्ता पक्ष और विरोधी पक्ष के विधायकों ने की है, उसके बारे में मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम बगैर पंचनामा करे सरसकट मुआवजा देंगे, ऐसी बात भी कही है। तो हम शासन से आश्वस्त है कि हमारी ये सरकार गरीबों की सरकार है, काश्तकारों की सरकार है, और ये सरकार के माध्यम से जरूर काश्तकारों को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई मिलेगी। धन्यवाद टेकचंद जी सावरकर। हमारे साथ अभी नागपुर के विधायक है प्रवीण जी दटके। प्रवीण बाबू, बीच में नागपुर शहर में जो बारिश हुई थी पे काफ़ी नुकसान हुआ है, लेकिन वहाँ के लोगों का ऐसा कहना है कि जितना नुकसान हुआ उतनी भरपाई ही नहीं मिल रही है। नहीं, भरपाई जो नियम के अनुसार वो मिलेंगी इसलिए आप आश्वस्त रहिए, लेकिन नागपुर में अभी ये बेमौसम बारिश का विषय है, नागपुर शहर के कुछ इश्यूज़ है, मेडिकल मेयो के कुछ इश्यूज़ है, सरकार की जो एंटिटी है उसमें कुछ इश्यूज़ है, तो सारे इश्यूज़ हम उठाएंगे जनता के लिए। यह अधिवेशन है विदर्भ की जनता के लिए, नागपुर होगा या सारा विदर्भ होगा, अमरावती, अकोला, जो जहाँ जहाँ से होगा विदर्भ के मुद्दे उठाएंगे, और हम आश्वस्त हैं कि हमारे मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री और सारा मंत्रिमंडल इसका अच्छी तरीके से विचार कर इसी अधिवेशन में उसके निर्णय करेंगे। वो आप विधायक हो, मुख्यमंत्री या वो मुख्यमंत्री को, मतलब सदन में कोई मुद्दा आप उजागर करने वाले हो? नहीं, आज मेरा प्रश्न लगा है मेडिकल जीएमसी के, इसमें जो दवाइयों का थुथोड़ा के बीच में बहुत सारा इशू था उसका आज प्रश्न लगा है, तो इस माध्यम से आज जीएमसी और आईजीएमसी का विषय सभागृह में है, 5वें नंबर का प्रश्न है, उसके माध्यम से मैं जरूर प्रश्न पूछूंगा। और मैं सरकार का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने जीएमसी और आईजीएमसी को एक जगह 500 एक जगह 450 करोड़ रुपये दिए है, वहाँ कैंसर हॉस्पिटल के लिए भी अलग से पैसे दिए हैं, लेकिन उसमें जो व्यवस्थाएं चाहिए, दो दो महीने का एमआरआई का, स्कैनिंग का, एक्सरे वाले, ये सारे में वेटिंग होता है, वहाँ फिल्म नहीं होती, कुछ टेस्ट बाहर से करनी पड़ती है, उसके कारण क्या है, वहाँ दवाई उपलब्ध नहीं है क्या, उसके किट उपलब्ध नहीं क्या, सारे प्रश्न मैं पूछने वाला हूँ, और जनता के लिए प्रश्न पूछने के लिए हम सब लोग विधायक आमदार बने हैं और वो काम हम जरूर करेंगे। धन्यवाद प्रवीण जी। ये थे विदर्भ के दो विधायक प्रवीण दटके और टेकचंद जी सावरकर। इन्होंने आश्वस्त किया है कि नागपुर और विदर्भ के सभी मुद्दों को लेकर विदर्भवासियों को न्याय दिया जाएगा।